हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट एंड रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। दोनों टॉपिक्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एमकॉम में हैं तो भी ये आप इसको समझिए, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको समझिए। मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ यूजीसी नेट का। आपको स्क्रीन पे देखेगा ये जो है यूजीसी नेट का सिलेबस है कॉमर्स का। सबसे जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, देखो, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, तो कॉन्सेप्ट अभी हम करने वाले हैं, रेलेवेंस अगर स्किप कर देते हैं तो भी चलेगा, बट कर लेने से अच्छा रहेगा। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। कंसेप्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में करेंगे, जहां पर कि हमको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट करना है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट करना है, लीगल एनवायरनमेंट करना है, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट करना है, फीमा करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में आज के दिन कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी वीडियो। सो इसको हम लोग मल्टीपल वीडियोज में कवर अप करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है सर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। जी, तो हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट एंड रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। कंसेप्ट के ऊपर ही थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर बहुत ही साधारण शब्दों में इसको बोला जाए तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपके आसपास की चीजें होती हैं वही हमारे एनवायरनमेंट है, वही हमारा एनवायरनमेंट है। अब वो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए बुरा हो, आसान हो, मुश्किल हो, जैसा भी एनवायरनमेंट है, लेकिन वही आपका एनवायरनमेंट जो है वो कहलाता है, ठीक है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिजनेस फर्म, एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ वेरियस एक्सटर्नल एक्टर फैक्टर्स, एक्चुअली नॉट एक्टर्स, एंड फोर्सेस दैट सराउंड द फर्म एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजंस एंड ऑपरेशंस। तो ये बहुत ही एक परफेक्ट डेफिनेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो जो देखो, हमारे आसपास में जो चीजें हो गई वो हमारे लिए एनवायरनमेंट है, लेकिन कोई एक बिजनेस रन कर रही है तो बिजनेस के आसपास की जो चीजें होंगी, ऐसी चीजें जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती होंगी, ऐसी चीजें जिसका बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के ऊपर असर पड़ता होगा, वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगा, ठीक है ना? तो बिजनेस का एक, देखो, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया कि एक जनरल टर्म में अगर बोला जाए तो एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, लेकिन जब एक बिजनेस रन कर रही होती है तो आपको पता है कि बिजनेस अपने आप में एक एंटिटी होती है, तो उसके भी कुछ ना कुछ उस एनवायरनमेंट पर रहने के फायदे, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होती है ना? तो उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके हिसाब से वो सारी जो है उसकी एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएंगी, ठीक है ना? The two major characteristic of the environment as pointed out by this definition, ठीक है ना? दो यहाँ पे जो major characteristic बताए गए हैं वो ये है कि these जो ये जो factors हैं, है ना, ये जो forces हैं, ये firm के external होती हैं, जिनको control कर पाना इतना आसान नहीं होता। पहला बात तो external होती हैं, और दूसरा इनको control कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। एनवायरनमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो आपके बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट है, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो किसी तरीके से, बट जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसको आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? आप चेंजेस कर सकते हो, आप उनके साथ जी सकते हो, जो भी चेंजेस हो रही है एनवायरनमेंट में आपको उसके अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा, है ना? जैसे कि आपको पता है कि कोविड के आने के बाद से बहुत सारे बिजनेसेस का जो है बिजनेस एकदम ही खत्म हो गया। कुछ कुछ लोगों ने एडजस्ट करके अपने बिजनेस को चलाना सीखा कि भाई कोविड के टाइम पे हम कैसे अपने बिजनेस को चलाएंगे, मास्क का यूज करेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, अपने लोगों को वैक्सीनेट करेंगे जो डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट्स का। तो ये सारे टूल्स आपको अपनानी पड़ेंगी। अब देखो, जो जो कोविड जो आया ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, है ना? ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी उसी तरह की बात की जा रही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में रन करती है, कुछ 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 चीजें उनके कंट्रोल में होती हैं, कुछ कुछ चीजें उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं। मैक्सिमम चीजें, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसका असर एक्चुअली बिजनेस के ऊपर पड़ता है, वो कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है ना? तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे छोटे टर्म में समझाने की कोशिश की जा रही है कि माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बिजनेस का वो फैक्टर जो कि छोटा है, जो कि बहुत ही कम लेवल पे जो है बिजनेस के वर्किंग को जो है इन्फ्लुएंस करता है। मैक्रो, बड़ा वाला एनवायरनमेंट, जो कि बिजनेस के काम करने के तरीके को बहुत ही बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे जो है एक तरीके से इम्पैक्ट करता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है। इसको डिटेल में करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो माइक्रो एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द फैक्टर्स इन द फर्म इमीडिएट एनवायरनमेंट व्हिच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फर्म्स डिसीजन एंड ऑपरेशन, है ना? तो ये जो एनवायरनमेंट होता है वो एक तरीके से इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है किसी भी कंपनी का, कंपनी के तुरंत, मतलब कंपनी अगर चल रही है तो इनके साथ उनका पाला पड़ना ही है,
है ना, जो बड़े फैक्टर्स हैं वो कभी कभी अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो माइक्रो एनवायरनमेंट होती है ये हमेशा आपके साथ टच में है, एक तरीके से ये आपके साथ पैरेलल ही चल रही है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे तो आप अपने बिजनेस को काफी दूर तक लेकर के जा सकते हो। अभी मैं मैक्रो एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसी एनवायरनमेंट होती है जो कि आपके बिजनेस को एक झटके में बंद कर सकती है, ठीक है ना। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में लेकर के जा सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो कि इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है और उसमें आपका बिजनेस जो है वर्क कर रहा होता है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, दीज इंक्लूड सप्लायर्स, वेरियस मार्केट इंटरमीडियरीज, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सच एज मिडलमैन, ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज, बिजनेस कंसल्टिंग फर्म्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके साथ आपका डेली जो है उठना बैठना होगा। आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको सप्लायर की आवश्यकता पड़ेगी, मिडलमैन की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, वेयर हाउस करने की आवश्यकता पड़ेगी, वेयर हाउस में आपका सामान रखना होता है, एडवर्टाइजिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखो इमीडिएट है, मतलब एक तरीके से जुड़ा हुआ है, ये आपके बिजनेस के साथ ये जुड़ा हुआ एक तरीके का इन्वायरमेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट है, जो कि आपके बिजनेस के साथ ही काम कर रहा है। तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान होता है कंपेरेटिवली मैक्रो इन्वायरमेंट के, ठीक है ना। नाउ While the customers constitute market suppliers and market intermediaries help providing them the firm with the inputs and assist in production and marketing process, है ना? तो ये जो customer जो एक तरीके से जो marketing research आप करते हो तो उससे बहुत सारा input आपको मिलता है कि आपको अपने business को किस तरीके से grow करना है, किन किन चीजों के ऊपर आपने काम करना है। तो जो आपका marketing process है वो भी बहुत आसान हो जाता है, आपके product में कुछ specification आपको करने की जरूरत है तो वो भी आपको एक तरीके से पता चल जाता है। तो माइक्रो एनवायरमेंट इज वेरी एसेंशियल एक्चुअली, ये आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप माइक्रो एनवायरमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे तो ही आपका माइक्रो एनवायरमेंट जो है रोल प्ले करेगा कि बड़े लेवल पे आपको कैसे मैनेज करना है। पर अगर छोटे लेवल पे ही नहीं कर पाए तो बड़ा लेवल तो भाई आप भूल ही जाओ, कुछ भी सडन ऐसी कोई चीज हुई आपका बिजनेस एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर्स एंड जनरल पब्लिक ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे अ फर्म कंडक्ट्स इट्स बिजनेस। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जैसे कि मैं सपोज घड़ी बना रहा हूँ, एक और कंपनी घड़ी बना रही है, तो वो कंपनी मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर कंपनी है क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट बना रही है जो मैं बना रहा हूँ, है ना। तो जो उसका जो स्ट्रेटेजी होगा वो मेरे मुझे इन्फ्लुएंस करेगा, उसकी जो स्ट्रेटेजी होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे कई बार जो है चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी पॉलिसीज में, या मैं जो चेंजेस करूंगा उसके बेसिस पे उसको फिर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो कंपटीशन जो होता है या फिर जनरल पब्लिक का जो ओवरव्यू होता है, उनका जो एक थिंकिंग होता है किसी ब्रांड को लेकर के, वो एक तरीके से मार्केट को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है, वो आपके बिजनेस के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रो एनवायरमेंट। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ ब्रॉडर फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द फर्म एज वेल अदर फैक्टर्स इन द फर्म्स माइक्रो एनवायरनमेंट, है ना। तो ये एक तरीके से ब्रॉडर टर्म है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इसी के अंतर्गत हम लोग जो है एलिमेंट्स करेंगे। एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था अभी, आपका जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हम इसी के अंडर में करने वाले हैं, ठीक है। नाउ दीज इंक्लूड फैक्टर्स सच एज जियोग्राफिक, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल फोर्सेस। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पेस्टल बोलता था जब मैं स्टडी करता था स्टार्टिंग में। तो पेस्टल का मतलब क्या होता है, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिकल, कुछ भी आप उसको जोड़ सकते हो। एस फॉर सोशोलॉजिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, ई फॉर फिर वही बात है कि आप इसको इंटरफेस कर लो, है ना। तो इस तरीके से ये जो है काम करता है आपका एनवायरनमेंट, है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा कुछ आपको इसमें नहीं समझना, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। देखो माइक्रो और मैक्रो को आप एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, तकरीबन सेम चीजें हैं, ठीक है ना। हालांकि माइक्रो में ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनल नहीं होती हैं, जैसे कि आपका जो जो आपका क्या कहेंगे जो सप्लायर है वो आपकी कंपनी के अंडर का तो नहीं है, वो बाहर का है ना, तो वो आप एक्सटर्नल में डाल दोगे, है ना। तो कुछ कुछ चीजें जो है दोनों तरफ से आ जाएंगी तो फिर जाकर के इंटरनल और एक्सटर्नल बनेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से डोमेस्टिक, फॉरेन और ग्लोबल एनवायरनमेंट मुझे थोड़ा सा करा देना चाहिए ताकि आपको एक जनरल ओवरव्यू हो जाए इस चीज का, तो सही रहेगा, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे जो टर्म्स हैं डोमेस्टिक, फॉरेन और ग्लोबल, इसको मैं थोड़ा सा डील कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के बारे में बोला गया, तो पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सही रहेगा, ये हाईलाइट करने के लिए मैं कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, इट विल बी नाइस। नाउ द नेक्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट सर्कल, यहाँ पे अगर आप सर्कल की तरफ ध्यान दोगे, मैं आपको सर्कल जरा सा दिखा देता हूँ, विल बी नाइस। ये देखो ये आपका सर्कल है, ठीक है ना, ये देखो ये आपका सर्कल है। तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहला जो सर्कल, जो सबसे छोटा जो सर्कल है, वो आपका इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजंस के बारे में बोला जा रहा है। तो ये सबसे छोटा सर्कल होता है, ये एक तरीके से आपके लिए माइक्रो एनवायरनमेंट आप बोल सकते हो,
ठीक है, इसके ऊपर का जो सर्कल है ये आपके लिए जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो यहां से फिर वो शुरू हो जाता है। इसके बाद जितने भी सारे एनवायरनमेंट है वो मैक्रो के ही अंडर में आएंगे। नीचे में देखो लिखा हुआ कंट्रोलेबल इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन, मतलब ये इंटरनल है, ये जो टर्म है, ये जो चीजें हैं ये इंटरनल है, ठीक है ना। बाकी की ये चीजें हैं ये एक्सटर्नल है, लेकिन इनका भी एक ना स्टेप है, आप बोल सकते हो कि पहले वाले में ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा, इस तरीके से जो है ये काम करेगा, है ना। तो इस सर्कल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है। सो द नेक्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट डोमेस्टिक एनवायरनमेंट एंड इन कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स सच एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक क्लाइमेट, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेज व्हिच आर एसेंशियली अनकंट्रोलेबल बाय अ फर्म, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें बता दी गई हैं, आपको ऑलरेडी बता दी गई है, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट हो गया, यू नो इकोनॉमिक या फिर क्लाइमेट की चीजें हो गई, है ना। ये सारी चीजें जो होती है ये अनकंट्रोलेबल होती है, फर्म इसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कभी भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल चीजों को या फिर लीगल चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनलेस कि ये अभी वाली गवर्नमेंट अगर होती है तो फिर पॉसिबल है। जो 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 यू नो अंबानी या अडानी है उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप सभी को दिख रहा होगा कि ये सारी चीजें जो है उनके लिए पॉसिबल है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए वो चीजें जो है पॉसिबल नहीं है। जनरली ये चीजें जो है अनकंट्रोलेबल होती है, बट अगर ऐसी गवर्नमेंट होगी तो डेफिनेटली उनके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो ऐसा नहीं हो पाता, इन जनरल अगर देखा जाए तो इस तरह का सपोर्ट जो है उनको नहीं मिल पाता है और ये अनकंट्रोलेबल होता है किसी भी बिजनेस के लिए। Besides, profound effect on the firm's domestic business, these factors exert influence on the firm's foreign market conditions. अब जो देखो ये जो conditions हैं, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये company के foreign market जो operations है उसको भी एक तरीके से ये influence करता है, ठीक है ना। आप में suppose कोई political, आप कोई political party हो, आपने कोई policy बना दी कि इस product का जो है आप इंडिया के बाहर बेच नहीं सकते, आपको इंडिया में ही बेचना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपके ऊपर एक कंडीशन लग गया, आप अपने सामान को बाहर भेज ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसका असर जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक चीजों में ही पड़ता है, इसका असर जो है फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस पे भी पड़ता है। लैक ऑफ डोमेस्टिक डिमांड और इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर इंस्टेंस हैव प्रॉम्प्टेड मेनी इंडियन फर्म्स टू प्लंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। तो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो जब आपके मार्केट में कम हो जाता है, सपोज आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका डिमांड आपके मार्केट में बहुत ही कम है, या फिर है भी तो आप उसकी पूर्ति कर दे रहे हो, पूर्ति करने के बाद भी आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बच जा रहा है, तो आप उन प्रोडक्ट को क्या करोगे, आपका फेंक दोगे, डेफिनेटली नहीं फेंकोगे। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर लेके जाने की कोशिश करोगे, आप इंटरनेशनल बिजनेस में कदम रखने की कोशिश करोगे। तो वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है कि जब लैक ऑफ डिमांड होता है या फिर डोमेस्टिक मार्केट में जब बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर भेजते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स एंड इंसेंटिव्स इन द कंट्री हैव बीन अदर मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर द फर्म्स टू इंटरनेशनल बिजनेस देयर बिजनेस ऑपरेशंस, है ना। तो यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, और वो है आपका यू नो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर जो इंसेंटिव्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी वजह से जो कंपनीज होती है वो बाहर जाने की कोशिश करती है, बाहर जाना चाहती है, ठीक है। ये हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, फॉरेन एनवायरनमेंट उसी तरीके का है कि आपको जो है बाहर जाकर के वहां के फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार रीड आउट कर लो, ये सही रहेगा। हालांकि इतना डिटेल में करना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीजें बता रखी है आपको, है ना, कि फॉरेन एनवायरनमेंट जब जब आप जाओगे तो वहां के फिर अलग कल्चरल इश्यूज होंगी, वहां पे फिर अलग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, वहां पे फिर अलग लीगल चीजें होंगी जो डिफरेंट होगा। डेफिनेटली जो आप कंट्री में अपने फेस कर रहे हो वहां पे भी सेम चीजें होती हैं, लेकिन आपकी कंट्री के मुकाबले वहां पे हो सकता है कि डिफरेंट हो, आपके अगेंस्ट हो या आपके फेवर में भी हो, तो ये चीजें आपको पता नहीं है। जब आप फॉरेन एनवायरनमेंट में इंटर करोगे तो ही आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो फॉरेन एनवायरनमेंट में भी सेम चीजें होती हैं जो कि एक तरीके से बिजनेस के ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना, सही रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे ऊपर वाले टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं, फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस देयरफॉर रिक्वायर्ड एन इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू द इंटरनल डिफरेंसेस, है ना। डेफिनेटली एनवायरमेंटल डिफरेंसेस जो है आपकी कंट्री में अलग है, वहां पे अलग है, तो उसके हिसाब से जो है आपको यू नो अपडेट करना पड़ेगा खुद के, उसके हिसाब से जो है आपको जो सेंसिटिविटी है वहां के एनवायरमेंट को लेकर के वो आपने बढ़ानी होगी। आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो आपने नई नई अडेप्ट करनी होगी ताकि आप वहां के मार्केट सिचुएशंस को एक तरीके से टैकल कर सको। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू यू नो गेट आउट ऑफ योर यू नो कंफर्ट जोन, और आप किसी और कंट्री में विजिट करके जा करके आप वहां पे बिजनेस करने की कोशिश करते हो, देन यू नीड टू डू दीज चेंजेस एंड स्ट्रेटेजीज यू विल हैव टू मेक, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉरेन एनवायरनमेंट आपका, ठीक है।
तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कुछ चीजें और है जो कि मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार जरा से देख लो। ग्लोबल एनवायरनमेंट हम लोगों ने नहीं किया, सो कर लेते हैं। तो जो अपर मोस्ट सर्कल है ये ग्लोबल एनवायरनमेंट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्रीज एंड इज नॉट कन्फाइंड इन इट्स इम्पैक्ट टू जस्ट वन कंट्री। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो होता है वो किसी एक कंट्री तक नहीं होता, बल्कि वो कंट्री के बाहर किसी और कंट्री में जाकर के भी उसको असर पहुंचाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो कि कंट्री के, जो कंपनी के काम करने के तरीकों को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर किसी कंट्री का जो बिजनेस है जो किसी और कंट्री में जाकर के काम कर रहा है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे देखो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, UNCTAD है ना, या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है आपका, उसके बाद ATC है, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, NAFTA है, एशियान है, EU है। तो ये वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो सारे ग्रुप्स हैं जो कि आपके बिजनेस के काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करेंगे जब आप अपने बिजनेस को ग्लोबली लेकर के जाने की कोशिश करोगे, जब आप अपने बिजनेस को एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में आप फैलाने की कोशिश करोगे। तो इन सारी चीजों के साथ जो है आपको टैकल करना पड़ेगा। कई बार चीजें जो है होती हैं वो फेवरेबल होती हैं, कई बार चीजें जो होती हैं वो अगेंस्ट में होती हैं। तो फेवरेबल होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर अगेंस्ट में होगी तो डेफिनेटली आपको अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी पॉलिसीज में बदलाव करने पड़ेंगे उस बिजनेस इन्वायरमेंट में, उस बिजनेस में, उस वाले इन्वायरमेंट में, उस कंट्री के इन्वायरमेंट में आपको सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। Thank you so much.